बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फातिमा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप बच्चों को नहलाने से पहले अप्लाई करेंगे तो बच्चों का कलर बहुत ही ज्यादा फेयर हो जाएगा, स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाएगी। इस रेमेडी को आप 3 माह से लेकर हर एज के बच्चों को अप्लाई कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं और ये रेमेडी सिर्फ 2 चीजों से बनने वाली है जो कि हर घर में मौजूद होती है और इसके रिजल्ट 100% होंगे। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होगी वो है मैदे वाले ब्रेड। वैसे तो आप मैदा भी ले सकते हैं क्योंकि मैदा बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, लेकिन ब्रेड व्हाइटनिंग के साथ साथ स्क्रबिंग का भी काम करेगा। और दूसरी जो चीज हम लेंगे वो है रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। वो हम इतना लेंगे जिसमें कि ब्रेड सोक हो जाए। ब्रेड को दूध में सोक करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इस मिक्सचर को लेकर आपने बच्चों के फेस और फुल बॉडी पर हल्के हाथ से मसाज कर लेना है और फिर 5 मिनट तक इसी तरह लगा रहने दें। इसके बाद बच्चों को नहला दें। जैसा कि आप बच्चों के कलर को फेयर करने के लिए और भी रेमेडीज ट्राई करते होंगे तो हर रेमेडीज के 10 से 15 दिन के इस्तेमाल के बाद ही रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं, लेकिन इस रेमेडी को अप्लाई करने के साथ ही आपको 2 से 3 दिन के बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।